हेलो नमस्कार, मैं सचिन आपके साथ लेट्स करेक्ट में आपका स्वागत करता हूँ। प्रश्न दिया हुआ है कि एक्स प्लस ए प्लस वन अपॉन ए इक्वल टू माइनस 13, तो ए की घात 3 प्लस वन अपॉन ए की घात 3 का मान बताना है क्या होगा। सॉल्व लिखते हैं अपन। लिखा सॉल्व तो ये लिखा ए प्लस वन अपॉन ए इक्वल टू 30 माइनस कितना लिखा 30। तो क्या करते हैं अपन, ये सूत्र होता है कि यदि x की घात 3 निकाल a की घात 3 प्लस वन अपॉन a की घात 3 निकालना है तो क्या होता है, a की घात 3 माइनस मतलब जो दिया हुआ है उसकी घात 3, यहाँ t मान लेते, t की घात 3 माइनस क्या करेंगे 3 इंटू टी। ठीक है, तो t का मान कितना मतलब 30 दिया हुआ है, तो 30 का घन 3 माइनस 3 इंटू टी मतलब 30। तो क्या करेंगे, 3 का कितना होता है घन, 9 3 27, 1 2 3 0 माइनस 3 3 का 9 90। बस क्या कर देंगे, 90 घटा देंगे, 90 घटाएंगे तो ये कितना बचेगा, तो ये बचेगा 26010। कितना बचेगा 26010, बिल्कुल 26010 बचेगा। लेकिन ये माइनस में दिया हुआ था ना, माइनस 30, तो इसका मान माइनस में होगा। ठीक है, तो बिल्कुल माइनस में होगा, बिल्कुल यहाँ पे यहाँ तो बराबर था, ये माइनस में होगा। माइनस की घात 3 करेंगे तो माइनस में आएगा, यहाँ माइनस का करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, बस तो ये कितना आ जाएगा 26010। यदि अपन इसको सूत्र से करना बनना नॉर्मल विधि से करना चाहे तो कैसा होगा, तो नॉर्मल विधि से ऐसा होगा कि a प्लस वन अपॉन ए इक्वल टू 3 माइनस 30 दिया हुआ है, तो दोनों पक्षों का घन करने पर दोनों पक्षों का घन करने पर, चलो घन कर देते हैं, तो a प्लस वन अपॉन ए की घात 3 बराबर माइनस 30 की घात 3, तो इसका घन करेंगे तो ए की घात 3 प्लस वन अपॉन ए की घात 3 प्लस 3 ए इंटू वन अपॉन ए, और यह क्या होगा ए प्लस वन अपॉन ए। ठीक है, इक्वल टू कितना, माइनस 3 की घात करेंगे तो कितना आएगा 27 1 2 3 0। ठीक है, तो ए की घात 3 प्लस वन अपॉन ए की घात 3 प्लस माइनस ये कट गया 3 ए प्लस वन अपॉन ए इक्वल टू माइनस 27 1 2 3। तो ये इसका मान कितना है, 30 दिया है, माइनस 30 दिया है, तो ए की घात 3 प्लस वन अपॉन ए की घात 3 प्लस प्लस 3 इंटू माइनस 30 बराबर माइनस 2 3 0। ये कितना हो जाए, ए की घात 3 प्लस वन अपॉन ए की घात 3 इक्वल टू माइनस 27 3 0 माइनस प्लस हो जाएगा, चट जाएगा तो 90 बराबर कितना 26010। तो ये एक ही घात 3 प्लस वन अपॉन एक ही घात 3 बराबर कितना आ गया 26010। थैंक यू।